हर वीडियो के अंदर हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, तो इस वाले वीडियो में भी आप हमारे लोन का प्रूफ देख लो। 40,000 रुपए का हमारा यहाँ पर लोन अप्रूव हो चुका है और इस वाले लोन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने हमारा आधार कार्ड दिया है और हमारा पैन कार्ड दिया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो सबसे पहले आपको उस वाले ऐप की जो डिटेल्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पर कई लोगों ने हमें कमेंट किया है और कई लोगों ने हमें मैसेज किया है व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर, और उन्होंने लिखा है कि 29 दिसंबर 2023 को हमने लोन के लिए अप्लाई किया था, 499 रुपए भी हमने पे कर दिया, 48 घंटे का या 72 घंटे का वहां पर टाइम हमें बताया गया कि आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वहां से लोन का ऑप्शन ही गायब हो गया और हमारा जो 499 रुपए है वो भी यहां पर चला गया। उसके बाद सेकंड जो कमेंट है वो है कि भाई 499 रुपए का पेमेंट किया है, अभी तक लोन पास नहीं हुआ है। इसके अलावा और नीचे आओगे तो यहाँ पर एक और कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है, सब बकवास है, साला 499 आरएस लेके गायब हो गया है, 4 दिन हो गया है बट अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, ना ही कोई कस्टमर केयर का नंबर लग रहा है। इसके अलावा और नीचे आओगे तो एक और कमेंट है, उसमें लिखा हुआ है, अभी तक लोन नहीं मिला, 499 पे कर दिया, ऐप पर शो कर रहा है कि 1 जनवरी के बाद ऐप का सर्वर ठीक होगा। मतलब यहाँ पर एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इन लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिस वाले एप्लीकेशन के बारे में मैंने खूब समझाया था कि आप इस वाले एप्लीकेशन के थ्रू कभी भी लोन के लिए अप्लाई मत करो, ये जो एप्लीकेशन है या फिर ये जो वेबसाइट है या फिर ऐसे कोई बंदे हैं जो आपको लोन पास करवाने के नाम पर 1 रुपए भी चार्ज करते हैं, तो आप उनको 1 रुपए भी मत दो। मैं सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन बताता हूं, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन आपको बताता हूं सबसे पहले आपको उस वाले एप्लीकेशन की पूरी डिटेल समझाता हूं कि यहां पर आपका पैसा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, या फिर जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में आपको लोन देने के लिए पैसा देना होता है उस वाले एप्लीकेशन को तो आपको हाथ जोड़ देना चाहिए, उस वाले एप्लीकेशन से भूलकर आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो एप्लीकेशन आपसे लोन लेने के नाम पर पैसा मांगता है वो 100% आपका लोन रिजेक्ट करता है। इस वाले एप्लीकेशन में मैंने जो आपको प्रूफ दिखाया जहां से हमने लोन लिया है वो वाला मोबाइल एप्लीकेशन है लेंडिंग प्लेट पर्सनल लोन ऐप। इस वाले एप्लीकेशन से आप बेझिझक होके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से RBI एंड NBFC रजिस्टर्ड है। इस वाली कंपनी का जो नाम है वो है यूनिफिंज कैपिटल इंडिया लिमिटेड, जो कि NBFC अप्रूव्ड है और RBI के साथ रजिस्टर्ड है। इस वाले एप्लीकेशन से अगर आप लोन ले रहे हो तो सबसे पहले इस वाले एप्लीकेशन की जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का आप यहाँ पर लोन ले सकते हो, 3 महीनों से लेकर 15 महीनों के लिए आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है, 1% से लेकर 5% आपका यहाँ पर लोन पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाता है। इसके अलावा कन्वर्जन फीस भी आपका 1% से लेकर 5% के बीच लग सकता है। इसके अलावा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर 12% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है ये अब हम लोन अप्लाई करेंगे तब हमको पता लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 12% से लेकर 36% तक आपका जो APR है एनुअल परसेंटेज रेट वो यहाँ पर जा सकता है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है कि यहाँ से अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप एक इंडियन नेशनल व्यक्ति होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो भी आपके अकाउंट के अंदर हर महीने कम से कम 20,000 रुपए की जो सैलरी है वो आपके बैंक खाते में आनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और आपने लोन की जो डिटेल्स है उसको पूरी तरीके से समझ लिया है तो अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा या फिर चाहो तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे इस वाले ऐप को तो आपके सामने कुछ परमिशन मांगेगा, ये परमिशन को आपको लेट्स गो पर क्लिक करना है और जो जो आपसे परमिशन मांगे यहाँ पर आपकी लोकेशन की, कैमरे की और आपके SMS की परमिशन मांगेगा, सभी परमिशन को आपको अलो कर देना है। यहाँ पर यह परमिशन आपसे मांग रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से अगर आप लोन ले लोगे और लोन लेने के बाद अगर आप उसको टाइम पर पे नहीं करोगे, टाइम पर उसको नहीं चुकाओगे तो यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है वो इन वाले एप्लीकेशन के पास चली जाएगी और फ्यूचर में अगर आप लोन नहीं चुका पाओगे तो हो सकता है आपको ब्लैकमेल भी कर दें। लेकिन जो NBFC एंड RBI रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, जो RBI रजिस्टर्ड एंड NBFC अप्रूव्ड ऐप होते हैं वो ज्यादातर किसी को ब्लैकमेल नहीं करते हैं।
अगर आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो भी रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, आप ओटीपी डालकर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी एरिया है, आपका जो भी एरिया है उसका पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आपका सिटी आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल 7 स्टेप्स बताई गई हैं। जैसे ही आप 7 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तुरंत ही आपका पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे आपका जो भी फर्स्ट नेम है पैन कार्ड के अंदर वो डालेंगे, आपका लास्ट नेम डालेंगे, आपकी नीचे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके आधार कार्ड के अंदर है, नीचे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है या फिर अदर कोई वर्क करते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो कैसे आती है, तो इसमें आपको हमेशा एनईएफटी या फिर आरटीजीएस को आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है ईमेल वाले ऑप्शन में और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी जो सेल्फी है, आपकी जो फोटो है वो आपको ऐसे करके यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर अपनी एक फोटो ले लेनी है। जब आप यहाँ पर अपनी फोटो ले लोगे तो आप जितने रुपए के लिए भी एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर 50,000 रुपए के लिए एलिजिबल हैं और 50,000 में हमारी जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो 5,000 रुपए लग रही है, आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो। अब आप लोन तो ले रहे हो लेकिन लोन की डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी कि लोन की जो सारी डिटेल है वो आपके समझ में आ जानी चाहिए, आपको ऑलरेडी पहले पता होना चाहिए जिससे बाद में जाके आपको कोई दुख ना हो, क्योंकि सारी चीजें आपको पहले समझ में आ जाएंगी तो लोन लेने के बाद आपके साथ क्या होगा वो ऑलरेडी आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर 50,000 रुपए का हमारा लोन अप्रूव हुआ है और 6 महीनों के लिए अप्रूव हुआ है, हम 6 महीनों तक यहाँ पर इस वाले लोन को लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 5,000 रुपए लगेगी, कन्वर्जन जो फीस लग रही है वो 2,500 रुपए लग रही है, जीएसटी जो लग रहा है वो यहाँ पर 1,350 रुपए लग रहा है और टोटल जो हमें यहाँ पर टोटल इसका जो टोटल मिला के अगर फीस हमें पेमेंट करनी है तो वो करनी है 8,850 रुपए। इसके अलावा एक और चार्ज यहाँ पर कट रहा है वो है 658 रुपए का पीईएमआई का। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल हम यहाँ पर 9,000 मान लेते हैं, 9,000 रुपए हमारे यहाँ पर चार्ज के रूप में कट रहा है और हमारे अकाउंट में जो आएगा वो केवल 41,018 रुपए आएगा। मतलब यहाँ पर 9,050 में से 9,000 यहाँ पर ये पहले ही काट लेंगे और बाकी का जो भी पैसा बचेगा 41,000 रुपए वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब जो यहाँ पर लोन है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर हम यहाँ पर लोन को 6 महीनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हो कि हर महीने जो हमारी किस्त आएगी वो 11,146 रुपए आएगी। 11,000 हम यहाँ पर लमसम मान लेते हैं 6 महीनों तक, तो 11 × 6 लगभग 66 या फिर 67,000 रुपए होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन लोगे तो 41,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, 9,000 ऑलरेडी कट जाएंगे। इसके अलावा आपको जो इसका रिपेमेंट करना होगा वो आपको लगभग 67,000 रुपए करना होगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पर आपका सब कुछ मिला के आपको जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वो आपको टोटल लगभग 26,000 या फिर 27,000 रुपए आपको देना होगा, तब जाके आपको यहाँ पर 40,000 रुपए का लोन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोन देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह बात कंफर्म है कि यह जो एप्लीकेशन है वो आरबीआई एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, तो आप बेझिझक होके इस वाले एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका कम से कम आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जो भी आपका सिबिल स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि यहाँ पर आपको जो लोन मिलने वाला है वो आपको सस्ता लोन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको महंगा लोन मिलेगा। अगर आपको जरूरत है, आपको कोई ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है कि कहीं से भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है और कोई इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में ही आपको लोन लेना है। नहीं तो आप लोन लेने के लिए या तो बैंक जा सकते हो या फिर आपके जो भी फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव जो भी सर्कल है आपका, आप उनसे उधार लोन ले सकते हो। इन वाले एप्लीकेशंस के झांसे में आपको नहीं पढ़ना है, इन वाले एप्लीकेशंस के थ्रू आपको तभी लोन लेना है जब आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है। तो इस वाले वीडियो में लेंडिंग प्लेट मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कैसे लोन लिया जाता है उसका लाइव प्रोसेस, लाइव डेमो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखा दिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा
अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपके साथ किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है, आपको हमसे किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो डायरेक्ट आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर डायरेक्ट आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें वहां पर डायरेक्ट मैसेज करता है हम उनका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं।